Hello everyone, welcome to your channel Competition Mantra. Today we have to discuss about one word substitution daily dose session 3. Jin students ne bhi session 2 aur session 1 nahi dekha hai, aapse request hai session 2 aur 1 zarur dekh lijiyega. To baat karte hain aaj hum apne first one word substitution ki. The study of election is known as fishology. Hindi mein इसका मतलब होता है चुनावी विश्लेषण. नेक्स्ट वन इज समथिंग दैट कैन रोट इज नोन एज पेरिशेबल. रोट ROT मीन्स सड़ जाना, गल जाना, और इसको कहते हैं पेरिशेबल. फॉर एग्जांपल, आपको सभी को पता है पेरिशेबल कमोडिटीज क्या होती है. इकोनॉमिक्स में आपने कभी पढ़ा हो तो पेरिशेबल कमोडिटीज वो कमोडिटीज होती हैं जो कि मतलब जल्दी सड़ने के जिनके चांसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल, दूध, ब्रेड एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज वन ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग इज नोन एज एम्बिगुअस. इसका मतलब ये है एक से ज्यादा किसी बात के अगर इंटरप्रिटेशन आ जाता है और एक मतलब कोई सटीक ऑब्वियस मीनिंग नहीं आ पाता है तो उस चीज को कहते हैं एम्बिगुअस. हिंदी में इसको कहते हैं संदिग्धार्थक. नेक्स्ट वन इज समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस अकरेंस. इसको कहते हैं स्पेक्टर. कुछ मतलब ऐसा होने वाला हो जिससे मतलब ये पता चले कि कुछ डर इस तरह का हो कि कुछ बड़ा होने वाला है, राइट? तो उसको कहते हैं स्पेक्टर. वैसे स्पेक्टर का जो हिंदी में मीनिंग में होता है वो होता है पिसाच, राइट? नेक्स्ट वन इज एवरेज इन अमाउंट इंटेंसिटी क्वालिटी और डिग्री इज नोन एज मॉडरेट. जैसे कि हम सभी को एग्जाम जब हम देने जाते हैं उसके बाद जब एनालिसिस उसकी करते हैं एग्जाम की तो उसमें पता चलता है कि हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन जो ये वाला सेक्शन था ये मॉडरेट था, इजी था या हाई था. तो जैसे कि इसमें वर्ड से ही पता चल रहा है एवरेज इन अमाउंट, तो एवरेज इज रिलेटेड टू मॉडरेट. नेक्स्ट वन इज अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट लोअर वेरी लोअर वेजेस फॉर लॉन्ग आवर्स एंड अंडर पुअर कंडीशंस. इसको कहते हैं स्वेट शॉप. राइट? और हिंदी में इसको कहते हैं शोषण करने की दुकान या शोषण करने वाले की दुकान. कोई ऐसी फैक्ट्री जहां पे जो है वर्कर्स को बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है ना, और उनको ज्यादा देर तक काम किया कराया जाता है और वेज भी जो है उनके कम दिए जाते हैं. तो इस तरह की पुअर कंडीशंस में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको कहते हैं स्वेट शॉप. नेक्स्ट वन इज थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस. कोई इस तरह की थिंग जो कि मतलब नकार दी जाती है कि ये ऐसे नकार दी जाती है कि हाँ ये मतलब बेकार है या फ्रूटलेस है, राइट? तो उसको कहते हैं फ्लोटाज्म. राइट? हिंदी में इसका मतलब होता है बहता माल, राइट? इस तरह से हम कह देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई जैसे कोई माल बह रहा है तो हम उसके मतलब कदर नहीं होती है, राइट? तो बह गया तो बह गया. नेक्स्ट वन इज बिकमिंग अपेरेंट थ्रू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स. देखिए, क्योंकि इसमें अपेरेंट का ही मतलब होता है प्रकट होना, तो डायरेक्टली जो है ये सिनोनिम है इसका फ्लोटाज्म का, राइट? तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्म्थ और सेंसेशन. मतलब किसी भी बॉडी का पार्ट जो है रब करना ताकि मतलब थोड़ी वार्म आ जाए, थोड़ी इसमें गर्माई आ जाए, तो उस चीज को क्या कहते हैं? मालिश कहते हैं. चाफ का मतलब होता है CHAFE, इसका मतलब होता है मालिश करना. नेक्स्ट वन इज द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल फॉर आवर्स इज नोन एज डिटेंशन. एक इस तरह की पनिशमेंट, जैसे कि हम जब कभी छोटे बच्चे थे नर्सरी और KG में, तो जब हम हल्ला करते थे या कुछ मतलब वहां शैतानियां करते थे तो मैडम एक वर्ड बोलती थी, आपको यहीं बंद कर दूंगी, कोई बच्चा जो है बाहर घर अपने घर नहीं जाएगा. तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, मतलब बच्चे वहां पे डिटेन्ड हो जाएंगे, मतलब डिटेंशन हो जाएंगे, राइट?
डिटेंशन का हिंदी में मतलब होता है नजरबंदी, राइट। अभी जो है ये नजरबंदी जो है अभी न्यूज में काफी चल रहा है, आप सभी जान गए होंगे। नेक्स्ट वन इज द आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन कंपोज ऑफ फोल्डेड ग्रे मैटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंसाइजनेस। सॉरी, इसमें जो है कंसाइज की जो है स्पेलिंग कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ये गलत लिखी हुई है। तो उसकी स्पेलिंग होती है CONSCIOUSNESS, राइट। तो इसका आंसर जो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब होता है ये अवचेतन मन जो है, ये हमारा ये पार्ट जो है कंट्रोल करता है माइंड का। नेक्स्ट वन इज सॉरी, अ हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इमीडिएटली बॉइल पुशिंग अ टॉल कॉलम ऑफ वाटर एंड स्टीम इन टू द एयर, दैट इज नोन एज गीजर। ये जो है काफी आसान है, इसको आप याद इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट और ट्रिपलिंग, मतलब कुछ इस तरह की चीज जिसको मतलब हम ये कम महत्व दे रहे हैं या कम उसकी महत्ता को समझ रहे हैं, तो उसको कहते हैं ट्रिविलाइज, उसको कहते हैं ट्रिविलाइज। नेक्स्ट वन इज अ जेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट सच एज बो इज नोन एज ओबीसेंस, इज नोन एज ओबीसेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमें घर पे कहा जाता है कि बड़ों के पैर छूना, तो उसको कहते हैं बो द फीट, राइट। तो उस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एन इवेंट और अ ग्रुप ऑफ इवेंट अकरिंग एज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज अ एपिसोड, कोई इस तरह का इवेंट या बहुत सारे इवेंट को मिलके एक मतलब बड़ा इवेंट हो जाना, और सेम पार्ट वो सीक्वेंस के साथ जब वो चलता है या कोई इवेंट सीक्वेंस के साथ चलता है, तो वो पूरा एक एपिसोड कहलाया जाता है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।